किसान साथियों, आज है संडे और हमेशा की तरह आज मैं आपके जितने भी पूछे गए सवाल हैं उसके आज मैं जवाब देने वाला हूं। किसान भाइयों, इस हफ्ते ज़्यादातर जो सवाल है वह टमाटर की खेती को लेकर है, क्योंकि टमाटर की खेती ज़्यादातर जो किसान है वह करते हैं बरसात के सीज़न में, क्योंकि वह एक प्रॉफिटेबल खेती भी है। तो इसी वजह से कई सारे किसानों के मन पर काफ़ी सारी कन्फ्यूजन है। तो टमाटर की खेती करने वाले सभी किसानों का जितना भी कन्फ्यूजन है और उसके साथ और भी जो सवाल हैं वह आज की इस वीडियो में दूर होने वाला है। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, और चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कर ले। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो पहला जो कमेंट करने वाला है वह है रोशन पंडित। ड्रिप मल्चिंग में निराई गुराई करना पड़ता है या नहीं? तो ड्रिप मल्चिंग से भी अगर आप खेती करते हैं तो आपको निराई गुराई करना ही पड़ता है, लेकिन उसमें बहुत ही कम मात्रा में आपको जो खरपतवार है वह देखने को मिलेगा। अगर आप बरसात पर खेती कर रहे हैं तो बरसात में बारिश होने की वजह से जो बीज का नालियाँ है वहाँ पर तो खरपतवार उगने ही वाला है। जो आपका बेड है वहाँ पर किसी भी तरीके से आपको खरपतवार नहीं उगने वाला, लेकिन जो नाली है वहाँ पर आपको खरपतवार देखने को मिलने ही वाला है। लेकिन वहाँ पर आप आसानी के साथ कोई भी खरपतवार नाशक का स्प्रे कर उस पर नियंत्रण कर सकते हैं। और आगे चलकर जब बारिश कम हो जाएगी तो वैसे में आपके खेत पे बहुत ही कम ही खरपतवार देखने को मिलने वाला है। अगला जो कमेंट करने वाला है वह है संजय। क्या जनवरी में लगा सकते हैं क्या ग्राफ्टेड? तो देखिए, आप जो बैगन है उसको आप पूरे वर्ष भर कर सकते हैं, लेकिन आपको समझना यह है कि जो बैगन की खेती है वह लगभग 8 महीने के आसपास की खेती है। तो वैसे में आपको सही समय का चुनाव करना होगा, उसके साथ आगे आप पूरा 8 महीने आप अपने फसल को चला सके, जिससे आप एक बेहतर प्रॉफिट ले सके, उस पर भी आपको ध्यान देना है। उसके साथ जो प्राइस है वह किस समय पर बेहतर देखने को मिलता है उस हिसाब से आपको खेती करना है, अगर आप एक सही प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो। अगला जो कमेंट करने वाला है वह है मिट्टी मेरे देश की, मई में नर्सरी नहीं करे तो ठीक है? तो बिल्कुल सही किसान भाई, यह किसान भाई ने बहुत ही बेहतरीन कमेंट किया है। इसी तरीके से आप भी, आपको कोई चीज़ अगर सही लगती है या फिर आपको कोई बेहतर जानकारी है तो वह आप कमेंट में अवश्य करें, जिससे सभी किसानों का फायदा हो सके। अगला जो कमेंट करने वाला है बसंत कुमार नेताम। मिट्टी किस किस मिट्टी में कर सकते हैं टमाटर की खेती? तो देखिए, मैं यहाँ पर आपको क्लियरली समझा देता हूँ किसान भाई, कि जो टमाटर की खेती है वह लगभग सभी प्रकार का जो उपजाऊ मिट्टी है उस पर आसानी के साथ किया जा सकता है। अगला जो कमेंट करने वाला है वह है सालू पाटिल। बरसात के मौसम खेती में क्या लगाएं? तो देखिए, बरसात के मौसम में आप कौन कौन सी खेती कर सकते हैं उसके बारे में चैनल पर हमने अभी अभी 2 वीडियो अपलोड कर दी हैं, जिसमें हमने बरसात में सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल खेती कौन सी है, जिससे आप 100% आपको जो प्रॉफिट होने की संभावना है वह बहुत ही ज़्यादा है, उस पर हमने ऑलरेडी वीडियो ला दी है। उसके साथ टॉप 5 बेल वर्गी फसल जो कि आप बरसात के मौसम पर कर सकते हैं उसके बारे में हमने वीडियो ला दी है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। उसके साथ हम बरसात में होने वाले कंद वर्गी के बारे में भी हम आगे चलकर वीडियो लाने वाले हैं, तो उसके लिए आप चैनल पर भी बने रहें। अगला जो कमेंट करने वाला है वह है रमेश कुमार। बारिश हो जाए तो क्या करें, पकी फसल को कैसे बचाएं? तो खरबूजा की खेती में यह एक बहुत ही बड़ी समस्या रही है कि बारिश हो जाने के बाद खरबूजा काफ़ी ज़्यादा सड़ने लगता है, तो वहाँ पर आपको जो शुरुआत है वहाँ पर ध्यान देना होगा। जब बारिश हो जाती है उसी समय आपके पास ऑप्शन रहता है उसको बचाने के लिए। उसके बाद जब बारिश हो जाती है उसके बाद आप 2-4 दिन गैप कर देते हैं, उसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता उसको बचाने के लिए। वैसे इसके बारे में हमने पूरा एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, आपको उसमें और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आने वाला है, तो उस वीडियो का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। अगला जो कमेंट करने वाला है वह है अशोक कुमार यादव। बरसात के टमाटर में खरपतवार उगता है तो कौन सी हर्बिसाइड का प्रयोग करें ताकि खरपतवार नष्ट हो जाए, टमाटर स्वस्थ रहे? तो हमने जो टमाटर के खरपतवार पर आप किस तरीके से नियंत्रण कर सकते हैं एक सही तरीके से, उस पर हमने प्रॉपर एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, उसमें आपको पूरा A to Z जानकारी मिल जाएगी। उसका जो लिंक है वह मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। अगला जो कमेंट करने वाला है कामदेव साहू। मैं कामदेव साहू, जिला बालौदा बाजार भाटापारा छत्तीसगढ़, 1 जून को टमाटर की नर्सरी डालना चाहता हूँ, कौन कौन सी वैरायटी लगा सकता हूँ? तो उसके बारे में हमने जो बरसात पर जो टमाटर की टॉप 5 वैरायटी है जिसमें आपको एक भयंकर उत्पादन देखने को मिलने वाली है, तो आप वह वीडियो को जाकर देख सकते हैं।
उनमें से आप कोई भी वैरायटी का चुनाव कर कर एक बेहतर प्रोडक्शन निकाल सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन दोनों जगह पर मिल जाएगा। उसके साथ और मैं आपको बता दूं किसान भाई कि काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं कि बरसात में टमाटर की वैरायटी को लेकर, तो हम आने वाले समय पर जून जुलाई पर टमाटर की टॉप 20 टमाटर की उन्नत वैरायटी के बारे में हम बहुत ही जल्द वीडियो लाने वाले हैं, तो उसके लिए आप चैनल पर बने रहें। अगला जो कमेंट करने वाला है वह है पीताम्बर साहू, मैं साहू टमाटर का रोपाई किया हूँ और अधिक जानकारी दें, तो उसके बारे में हमने एक जो बहुत ही अनुभवी किसान से हम मिले थे जो कि 11 एकड़ पर साहू टमाटर की खेती कर रहे थे, तो वह वीडियो में आपको पूरा A to Z जानकारी मिल जाएगी साहू टमाटर की खेती के बारे में, तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। अगला जो कमेंट करने वाला है संजय, सर जी भिंडी कब लगाएं जो कि रेट 50 से 60 रुपया रहता है, तो यह सब आपके जो पिछला एक्सपीरियंस होता है, अगर आप लगातार कोई खेती कर रहे हैं तो आपको यह अनुभव करते रहना चाहिए कि पिछले वर्ष कौन से सीजन पर कौन से समय पर रेट अच्छा था, कौन से समय पर रेट बुरा था, इस तरीके से आप साल दर साल जो उसका डिमांड किस समय पर क्या रहता है उसके हिसाब से आप एक सही रणनीति के साथ खेती करते हैं तो आप निश्चित रूप से एक बेहतर रेट आप वहाँ पर ले पाएंगे। हाल ही में हमने टमाटर की खेती में जो सही रणनीति है, बरसात पर आप टमाटर की खेती कर रहे हैं तो उस पर आपका क्या रणनीति रख सकते हैं जिससे आप एक बेहतर प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, उसके बारे में हमने एक पूरा डिटेल वीडियो लाया था, जिसमें मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि कोई भी किसान अगर वह रणनीति के साथ टमाटर की खेती करता है तो उसको एक सही रेट पाने से कोई नहीं रोक सकता, तो अगर आप चाहे तो वह वीडियो को जाकर देख सकते हैं। सभी फसल में जो आप रणनीति बना सकते हैं कि बेहतर रेट पाने के लिए, वह उसी तरीके का रणनीति से ही आप एक बेहतर प्रॉफिट कर पाएंगे और एक सही रेट आप ले पाएंगे, तो अगर आप चाहे तो वह वीडियो को जाकर देख सकते हैं। तो बस किसान भाइयों, इस हफ्ते कुछ इतने ही सवाल थे, उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई हो, और अगर आपका भी किसी भी तरीके का कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम कोशिश यही करते हैं कि जितने भी जो किसान भाई कमेंट किए हुए रहते हैं उनका हम जवाब दे सके, और वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।